अरे वेरी गुड इवनिंग। आज ये सब लोग जल्दी जल्दी हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन का गैप हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसके वजह से भी, देन आफ्टर संडे पड़ गया, तो इन सारे कारणों से क्लास आप लोगों की जो है वो नहीं हो पाई थी। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का सेशन। जनरल साइंस के एमसीक्यूज को हमें कंटिन्यू करना है। आप लोगों का, अगर आप प्लस स्टूडेंट हैं तो बेटा प्लस पे मेरे ये 3 बैचेस इस समय चल रहे हैं, 3 कोर्सेज चल रहे हैं, आप मेरे इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप प्लस स्टूडेंट नहीं है तो आप फ्री क्लास भी डेली ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे। उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। जिस स्पेशल क्लास की मैं बात कर रही हूँ, जो कि डेली शाम को होनी है करके एन अकेडमी के ऐप पर, वो शाम को 6 बजे होती है। और यहाँ वाला जो सेशन है वो डेली रात के 9 बजे होता है, और ये सेशन जो है आपका डेली अप रहेगा। चलिए वेरी गुड इवनिंग, हेलो। तो अगर आप लोग रेडी हैं अपने क्वेश्चंस के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि आप रेडी हैं। वेरी गुड इवनिंग, हेलो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर। इनमें से सबसे ज्यादा जो शुगर है वो आपको इनमें से किस में मिलेगी? वाटरमेलन यानी कि तरबूज, बीटरूट चुकंदर, शुगर केन गन्ना, डेट यानी कि आपका खजूर। आंसर करिएगा। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाटरमेलन में बेटा हमेशा वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, वाटरमेलन में पानी का कंटेंट ज्यादा है। देन आफ्टर आपका शुगर केन में शुगर यानी कि चीनी का जो कंटेंट है वो शुगर केन यानी कि गन्ने में सबसे ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ। डेंड्रोलॉजी का जो अध्ययन है वो बेसिकली इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? फूल से, ट्री से, श्रब यानी कि झाड़ी से, प्लांट से यानी कि पौधे से। आंसर करिएगा। वेरी गुड इवनिंग, हेलो। वेरी नाइस, ठीक है आंसर। ओके, करेक्ट आंसर देखिए प्लांट यानी कि पौधों से। ठीक है, तो डेंड्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। है ना, पौधों का जो अध्ययन है वो आपका बेसिकली कहलाता है डेंड्रोलॉजी। अच्छा, फ्लावर्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह में पोमोलॉजी आ जाएगा, इस तरह की चीजें आती है। ठीक है, नहीं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं बल्कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डेंड्रोलॉजी पौधों का अध्ययन होता है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाय सी वाटर। इनमें से किस मेटल का प्रयोग आपके नाव बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये समुद्र के पानी से बेसिकली जंग नहीं लगती? आंसर करिएगा। वेरी गुड इवनिंग, हेलो। आशीष आंसर सही है आपका, सबीना जी, नितिश, राज आंसर सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट्स टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। सही है, टाइटेनियम आपका बेसिकली एक ऐसा मेटल है जो कि जिसमें समुद्र के पानी से जंग जो है वो नहीं लगती, इसलिए टाइटेनियम का यूज ही ज्यादातर आपके नाव बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड। भाई पौधों में, प्लांट्स में जो एनुअल रिंग्स होती है उनका अध्ययन, या आप कहिए जिनसे पौधे की आयु ज्ञात की जाती है, उनका अध्ययन बेसिकली आपके क्या होता है? चलिए बताइएगा। एनुअल रिंग्स, द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड।
ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी करेक्ट है, हिल सागर जी और मोहन कुमार, वेरी गुड करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स या फिर स्टडी ऑफ ट्री, है ना, पौधों या वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे में ये जो वलय होते हैं, जो रिंग्स होती है, इनका अध्ययन आपका क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से कहलाता है। एग्रोनॉमी स्टडी ऑफ ग्रास होता है बेटा, घास का अध्ययन एग्रोनॉमी होता है। हॉर्टिकल्चर यानी कि आपकी जो बागवानी वगैरह होती है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज अ, ग्लूकोज क्या है, एक प्रोटीन है, एक डाइसैकेराइड है, एक न्यूक्लिक एसिड है या फिर एक मोनोसैकेराइड है, आंसर करो ग्लूकोज क्या है। धीर आंसर सही है, समीना आंसर सही है, प्रवीण एंड थिंक पॉजिटिव, मनीष कुमार, सचिन कुमार, निकिता यादव आंसर सही है बेटा, विनोद कुमार ठीक है, एस कुमार महतो जी आंसर सही है, सोनम गुप्ता, अंकित कुमार, मीरा प्रजापति जी एंड दीपक शरण ठीक है, अपराजिता वेरी गुड, नरेंद्र आर सही आंसर, शुभम कुमार ठीक है, बॉबी आंसर सही है, ओके 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 ठीक है। करेक्ट आंसर मोनोसैकेराइड इज अ राइट आंसर। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें ये जो कार्बन की संख्या है ना, इसके आधार पे कार्बोहाइड्रेट तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है बेटा, एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। अब जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया या फिर गैलेक्टोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड में आएंगे, ठीक है। डाइसैकेराइड माल्टोज, माल्टोज आपका डाइसैकेराइड में आएगा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के अंदर जैसे स्टार्च हो गया पॉलीसैकेराइड में आएगा, या फिर आपका ग्लाइकोजन हो गया पॉलीसैकेराइड में आएगा, ये सब आपके किस में आएंगे, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड में आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बिल्कुल नहीं, अरे अरे ग्लूकोज प्रोटीन है, वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम, कॉन्टेक्ट लेंस आपके किसके बनते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, पॉलीस्टरीन के, ल्यूसाइट के या फिर टेफ्लॉन के, आपको बताना है। कॉन्टेक्ट लेंसेज आर मेड अप फ्रॉम, सो रात के 9 बजे डेली, इस क्लास की टाइमिंग 9 बजे की है। करेक्ट आंसर पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। जो कॉन्टेक्ट लेंसेस होते हैं वो आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनते हैं, करेक्ट है इंद्रनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध का पीएच मान क्या है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, ठीक है। ओके ऑप्शन ए आ रहा है 7.2 स्किप, ठीक है। जीतू कह रहे हैं ऑप्शन सी, बॉबी कह रहे हैं डी, रामनिवास जी डी 7.4, सोनू कुमार जी भी बी 6.4 भी आया आंसर हिलसागर का, ओके व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, करेक्ट आंसर, ओके करेक्ट आंसर बेसिकली 6.4, क्योंकि मैक्सिमम जो पीएच जाता है वो 6.5 से लेकर के 6.7 तक आपके मिल्क का पीएच जाता है, तो 6.4 इसके बीच में आ रहा है, तो करेक्ट करीब आपका ये वाला आंसर इसमें सही होगा। और 6.4 है यानी कि आपका बेसिकली जो मिल्क है वो कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक, तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि स्लाइटली एसिडिक में ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन में मिलेगा, वेरी नाइस आंसर करिए, ठीक है करेक्ट है। ये क्लास डेली 9 बजे चलती है तो याद रखिएगा, ठीक है। टिंकू और सुरभि सही आंसर, विक्रम आंसर सही है, रामनिवास बघेल आंसर सही है, दीपांकर सही है, वेरी गुड ठीक है।
हिलसागर, वेरी गुड। विटामिन बी 12 इज द करेक्ट आंसर, साइनोकोबालामीन, है ना, साइनोकोबालामीन। तो अगर आपको केमिकल नेम भी पता था तो शायद आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते थे। साइनोकोबालामीन विटामिन बी 12 का केमिकल नेम होता है और इसी में आपके कोबाल्ट जो है वो कंटेंट मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटर इज गुड कूलेंट एंड इज यूज टू कूल द इंजन फॉर ऑफ कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, इट इज बिकॉज वॉटर हैज अ। दरअसल वाटर जो है वो एक अच्छा शीतलक होता है, उसका उपयोग आपके बस ट्रक आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों? वाटर इज अ गुड कूलेंट एंड इज यूज टू कूल द इंजन ऑफ कार, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा, इट इज बिकॉज वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट, लोअर सरफेस टेंशन। ओके, करेक्ट है। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाई स्पेसिफिक हीट यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण आपका ये एक अच्छा शीतलक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमिन कैप्सूल इज फाउंड, इनमें से किस अंग में बोमिन कैप्सूल पाया जाता है, इनमें से किस अंग में बोमिन कैप्सूल पाया जाता है। वेरी गुड, आंसर करिएगा। ओके, करेक्ट आंसर किडनी। तो भाई किडनी में जो नेफ्रॉन होता है ना, वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है बोमन कैप्सूल, इस तरीके का पूरा एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं। देखो पहले मैं नेफ्रॉन बनाकर दिखा देती हूँ, ये दरअसल नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है, एक नेफ्रॉन ऐसा दिखाई देता है। अब नेफ्रॉन में ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये बोमन कैप्सूल है। क्लियर है? तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरोसिस इज अ डिसीज दैट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किसे प्रभावित करती है, आंसर करिए। सिरोसिस इज अ डिसीज दैट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। हाँ, लक्ष्मी जी दिख रही है। सिरोसिस इज अ डिसीज दैट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। सिरोसिस, किडनी, किडनी यानी कि वृक्र बोलते हैं इसको, लिवर यानी कि यकृत, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। करेक्ट है, लिवर इज अ करेक्ट आंसर। तो सिरोसिस बेसिकली आपका लिवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है ये, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, लिवर से कनेक्टेड है यानी कि यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज, कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डिस्टिल वाटर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज, करेक्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप में से काफी लोगों ने डिस्टिल वाटर भी यूज किया, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इट्स सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ लेंसेस आर यूज टू ट्रीट एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म के लिए आपके किस प्रकार का लेंस यूज किया जाएगा? ठीक है, ये बेसिकली आपका जो आई कर्वेचर होता है उसका डिसीज है। आंसर करिए, विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ लेंसेस आर यूज टू ट्रीट एस्टिगमेटिज्म। सही है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाइफोकल, सिलेंड्रिकल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिलेंड्रिकल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल लेंसेज आपके बेसिकली एस्टिगमेटिज्म के अंडर यूज किए जाते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्मोन विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्शन इज। वह हार्मोन जो प्रजनन से सीधे नहीं जुड़ा है, टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, पैराथॉर्मोन। आंसर करिए, सही है रामनिवास जी आंसर सही है, राजुल गुप्ता आंसर सही है, दीपांकर पप्पू यादव ठीक है, मनीष एंड पिजोस आंसर सही है, रजनी नितेश सही है, सोनू एंड स्निग्धा विश्वास आंसर सही है बेटा, ठीक है। हाँ आशीष आप याद रखना, करेक्ट आंसर पैराथॉर्मोन इज द करेक्ट आंसर, PTH। पैराथॉर्मोन कहीं से भी आपका बेसिकली इससे यानी कि रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। राजुल, मेरी क्लास की डेली टाइमिंग 9 बजे है, मैं डेली 9 बजे लाइव आती हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेट पॉइजन। चूहे मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेट पॉइजन? आंसर करिए, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड या फिर इथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड अपने आप में नॉर्मल एक मतलब ये जहर होता है, पोटेशियम साइनाइड इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज इज यूजुअली एडवाइज टू प्रिवेंट। डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग आमतौर पर डैश रोकने के लिए सलाह दी जाती है, रेबीज, मम्स, एड्स या फिर कैंसर। यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज इज यूजुअली एडवाइज टू प्रिवेंट, सॉरी, ठीक है, सॉरी, ओके, करेक्ट आंसर एड्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैव एबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड सी। विटामिन ए और सी में इन मतलब कौन सी सब्जियों में विटामिन ए और विटामिन सी सबसे ज्यादा होगा? वेरी नाइस नितिश, ठीक है आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैव एबंडेंस ऑफ विटामिन ए एंड सी। ब्रिंजल यानी कि बैगन, लेडी फिंगर यानी कि ये भिंडी, लेडी की उंगली नहीं, पोटैटो यानी कि आलू, टमाटर, टमाटर, करेक्ट ऑप्शन, ओके दे लो पहले आंसर, टमाटर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन के निर्माण में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? वेजिटेबल ऑयल, मोबिल ऑयल, केरोसिन ऑयल, कटिंग ऑयल।
आंसर करिए, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर वेजिटेबल ऑयल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वेजिटेबल ऑयल जो है वो साबुन वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के खिलाफ मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा करता है? हीमोग्लोबिन, फैगोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, ठीक है। हेलो राज, हाय। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका, काफी कम लोगों का आंसर है बेटा, बोल रहा है बैक्टीरिया के खिलाफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इट्स फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है जीवाणुओं का भक्षण करना, और WBC जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स उसी का पार्ट है ऑक्सीजन कैरी में, और साथ ही साथ रक्त को, रुधिर को लाल रंग देने में काम आएगा। ब्लड प्लेटलेट्स आपके ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डिसीज एंड इट्स कॉजेस। आपके इनमें से आपको सही पेयर निकालना है उसकी कॉज के साथ। ट्राइकिनोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्लीपिंग सिकनेस आपका अधपका भोजन जो होता है ये, या फिर बेसिकली ये चीज खाने से। देन आफ्टर एथलीट्स फूड फंगस से होता है, और मेनिनजाइटिस प्रोटोजोअन डिसीज है। आंसर करिएगा। ऑप्शन बी स्लीपिंग सिकनेस। बेटा करेक्ट आंसर पेयर ढूंढना है, करेक्ट पेयर। हर्ष सोलंकी डी कह रहे हैं, मेनिनजाइटिस का। करेक्ट है मोहन एंड कुश पंडित, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एथलीट फूड फंगस। करेक्ट आंसर ये होगा। शुभाजीत जी आंसर सही है आपका भी, रजुल आंसर सही है, शुभाजीत आंसर सही है, अक्षय गौतम आंसर सही है, नितेश आंसर सही है। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर सम टाइम बिकम सॉर ड्यू टू। दूध को कुछ समय खुला छोड़ने के लिए वह खट्टा हो जाता है छोड़ने पर, क्यों, किसके कारण? कार्बोनिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, सिट्रिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण। वेरी गुड इवनिंग, हेलो हेलो सतीश जी। जितेंद्र यादव आंसर सही था, श्रवण एंड सचिन, लक्ष्मी जी आंसर सही है। ओके, करेक्ट आंसर बेटा लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स दैट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ऐसी रक्त वाहिका का नाम बताइए जो डी ऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त लेकर आती है। एओटा, पल्मोनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, पल्मोनरी वेन। आंसर करिएगा। गौरव शर्मा आंसर सही है, धीर आंसर सही है, रोहित कुमार ठीक है। रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, मुश्ताक जी सही आंसर, रॉकी ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर बेटा पल्मोनरी आर्टरी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। देखो एओटा तो होता है जो कि प्योर ब्लड को यानी कि शुद्ध रक्त को हार्ट मतलब हृदय का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे पूरे बॉडी में फैलाने का काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को आपके हृदय से लंग्स यानी कि फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। हिपैटिक आर्टरी आपके प्योर ब्लड को, शुद्ध रक्त को लिवर तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन आपके बेसिकली प्योर ब्लड को, ठीक है, शुद्ध रक्त को आपके लंग्स से वापस लाने का काम करता है हार्ट में, ठीक है। तो ये इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके चलिए, सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ योर जनरल साइंस। और ये क्लास डेली रात के 9 बजे होती है, तो कृपया डेली 9 बजे आप इस क्लास को ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर भी फ्री क्लास ले सकते हैं। अनअकैडमी पर फ्री क्लास लेने का टाइम होगा शाम के 6 बजे का। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। ये है वो टाइम आपका बेसिकली शाम के 6 बजे का, जो स्पेशल क्लास जिसकी मैं बात कर रही थी, उस स्पेशल क्लास की टाइमिंग ये है। अपने आपको नोटिफाई करें और डेली ज्वाइन करें ये क्लास रात के 9 बजे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक मारते हैं सभी लोग एक एक बार। लाइक द सेशन प्लीज। हाँ जी, इसी टाइम पढ़ाते हैं। ओके, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। मेरा टेलीग्राम है जीएस बाय शेफाली राठौर। इस नाम से आप मेरा टेलीग्राम सर्च कर ले, आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। और ये है गेट सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आइए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज शेफाली 10। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड थैंक यू।